तो आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। इसके लिए मैंने पनीर के टुकड़े कट करके उस पर हल्दी, नमक और मिर्ची लगा के, लाल मिर्च पाउडर लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और अब इसे मैं तेल में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। और अब ये मेरे पनीर के टुकड़े फ्राई हो गए हैं, चीज़ के टुकड़े। तो अब मैं इसे पैन से बाहर निकाल के रख लूँगी। तो अब मैंने इसे साइड कर लिया है। अब मैं जो कढ़ाई में तेल बचा हुआ है उसमें कुछ काली मिर्च डाल दूँगी और बड़ी इलायची के सीड्स डाल दूँगी। और ये गया जीरा, जीरा डाल दिया है मैंने। और इसे मैं थोड़ा पका लूँगी। जब ये स्पाइसी जीरा चटक जाता है तो इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ लहसुन और मिर्च। इसके बाद इसे भी मैं पका लेती हूँ इसमें। तो अब मैं लहसुन और हरी मिर्च को अच्छी तरीके से पका लूँगी। और अब ये पक गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करती हूँ अनियन। तो अब प्याज को भी मैंने डाल दिया है। अब इसको भी मैं ट्रांसलूसेंट होने तक पका लूँगी ताकि प्याज का कच्चापन अच्छी तरीके से निकल जाए। तो अब ये पक रही है प्याज। और अब देखिए ट्रांसलूसेंट हो गई है प्याज, अब इसका कच्चापन निकल गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देती हूँ और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। और फिर इसको मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। और इस तरह से अब मेरी सब्जियाँ जब पक जाती हैं तो फिर मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ टमाटर। तो अब ये गए टमाटर, तो टमाटर को भी मैं पका लूँगी। तो अब ये टमाटर भी पक रहे हैं। अब ये देखिए टमाटर भी मेरे पक गए हैं। अब इन सबको जो है मैं मिक्सर में निकाल के इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो अब इसका पेस्ट बन के रेडी हो गया है। अब फिर पैन में पड़ा हुआ है ऑयल, और फिर इसमें जो ये मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, जितने मटेरियल मैंने साथ में पकाए थे, उस पेस्ट को मैं इसमें डाल के अच्छी तरीके से पका लूँगी। और यकीन मानिए इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे ना चीज़ की, पनीर की, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब ये पक गया है। अब इस स्टेज पे जिस मिक्सी में मैंने वो डाला था, पीसा था, उसी मिक्सी में पानी डाल दूँगी और वही पानी जो उसमें मसाले लगे रह जाएंगे वो भी निकल आएंगे। और इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है पानी। तो अब इस अब जब पानी में बॉयल आ जाता है तो मैं इसमें उबली हुई डाल देती हूँ मटर। मैं कुकर में एक सीटी लगा के मटर को उबाल देती हूँ, जिससे एकदम पक्का पक्का मटर का टेस्ट आता है, बहुत ही सॉफ्ट रहती है इस तरह से मटर। और फिर मैं इस स्टेज पे इसमें ऐड करती हूँ जो मैंने पनीर को फ्राई करके रखा था, उसे मैं इस स्टेज पर ऐड कर देती हूँ। तो अब ये गया चीज़। और अब इसे भी मैं बॉयल लगा लेती हूँ अच्छे से, इसे भी मैं अच्छी तरीके से पक जाती हूँ, पका देती हूँ। और फिर जब ये सब्ज़ी अच्छे तरीके से पक जाती है तो उस स्टेज पर मैं इस पर ऐड कर देती हूँ धनिया की पत्ती। तो अभी ये मेरी सब्जी अब पक गई है अच्छे तरीके से। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल दी और फिर अब ये सर्व करने के लिए रेडी हो गई है। और ये मेरी पनीर की टेस्टी सब्जी बनके तैयार है।